गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज मैं आया हूँ बड़ा लालपुर में। बड़ा लालपुर में ना एक म्यूज़ियम है, नाम है दीनदयाल हस्तकला संकुल, और वैसे इसको वाराणसी ट्रेड सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो आए हैं हम यहाँ पर आप वीडियो शूट करने के लिए। भाई आप लोग को एक वीडियो भी तो देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो देखते हैं क्या क्या शूट होता है, कौन से टाइम लैप्स, कौन से क्या क्या चीज़ें बनते हैं, दिखाते हैं आप सभी को। देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा इस ब्लॉग में, पूरा का पूरा एंड तक इस पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। देखते हैं आज क्या क्या मिलता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, बनारस वाले भैया। तो भाई जिस जगह पर हम आए हैं वहाँ के नज़ारे आप लोग को हम दिखाते हैं। बहुत सही सही नज़ारा है यहाँ पर, बहुत सही सही चीज़ें हैं देखने के लिए, और काफ़ी बड़ा है ये वाराणसी ट्रेड सेंटर। इसको वाराणसी ट्रेड सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो दिखाते हैं आप सभी को इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मैं बहुत बार आ चुका हूँ, बट सोचा इस बार आ जाते भाई वीडियो शूट करने के लिए, एटलीस्ट आप लोग को एक वीडियो भी मिल जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पर मिलता है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आप लोग को दिखाते हैं। तो वो आप लोग को दिखाते हैं मेन गेट, कहाँ से एंट्री होता है। वो मेन गेट पर एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ पर ना वो आप वीडियो नहीं शूट कर सकते, वहाँ पर नहीं शूट कर सकते, अंदर आने के बाद आप वीडियो शूट कर सकते हैं। तो दिखाता हूँ आपको मेन गेट, नज़र आ रहा होगा आपको ये जो है ना ये वाली पार्ट, ये मेन गेट है। यहाँ पर यहाँ से आप अंदर घुसेंगे, अंदर घुसने के बाद फिर ये पूरा का पूरा ऐसे गार्डन टाइप का है। यहाँ पर आपको जाना अलाउड नहीं है गार्डन में, बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पर वो घास वास उगाया जाता है, रोज़ इसकी साफ़ सफाई और काटा वाटा जाता है, तो इसके कारण आपको यहाँ पर घुसने के लिए नहीं मिलेगा इस जगह पर। बट नीचे वो ऐसे रेलिंग पर उतर सकते हैं नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर नहीं चल सकते, क्योंकि भाई थोड़ी सी दिक्कतें हैं। यहाँ पर मना किया गया है कि आप यहाँ पर नहीं उतर सकते। बाकी यहाँ के गार्डन्स आप देख सकते हैं, बहुत हरियाली है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। यहाँ पर आने के बाद ना एक सुकून सा मिलता है, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर। आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें हैं यहाँ पर। गमला तो देखिए भाई, कितना बड़ा बड़ा गमला लगा हुआ है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और ये आने का रास्ता ये है, यहाँ से ये आने का रास्ता है, ऊपर चढ़ेंगे। जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे उसके बाद सीधा का सीधा आपको पहला चीज़ मिलेगा, वो है A few moments later. तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर है, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं यहाँ पर, बाकी आपकी मर्ज़ी आप क्या करना चाहते हैं। ये बुद्ध जी का मूर्ति, ये रात में ना काफ़ी अच्छा लगता है जब लाइट वाइट चलता है ना, तो ये और मज़ा देता है। उसके बाद भी है सर, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप ऊपर देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है, ऊपर जाने के लिए शायद पता नहीं अलाउड है या नहीं है, बट एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे ऊपर जाने की। इसी में ये ऊपर जाने का रास्ता है, हमने बता दिया था कि ऊपर पता नहीं जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, क्या होगा वो हम नहीं बता सकते, बट ऊपर जाने का रास्ता यही है। दूसरी चीज़ है, ऐसे लाइन से ना वहाँ पर ना ऐसे लाइन से ना बहुत सारे दुकानें हैं, ये गौतम बुद्धा का वो लिखा हुआ है। अगर इफ़ आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, बट मैं एक फ़ोटो इसका ज़रूर डाल दूँगा वीडियो में, देख लीजिए आप लोग। ये इंग्लिश वर्ज़न दिया हुआ है और ये इसका हिंदी वर्ज़न दिया हुआ है, आप लोग देख के इसको पढ़ सकते हैं। इसके पीछे ना बहुत सारे दुकान हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं। वो देखिए एक शॉप वो रहा, वो सामने एक शॉप है, उसके बगल में एक शॉप है, मतलब बहुत सारे शॉप्स यहाँ पर है। ये है वो देखें, कन्वेंशनल एरिया है वो, वहाँ पर वो कोने में इधर कन्वेंशनल एरिया, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ये जगह पर कन्वेंशनल एरिया है। है जहाँ पर पूरा हैंडमेड चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ पर जितना भी आप चीज़ देख रहे हैं पूरा हाथ से बनाया गया है, ये पूरा हैंडमेडेड चीज़ें यहाँ पर मिलता है। और आप देख रहे होंगे वहाँ पर जामदानी, वुड क्राफ्ट, ये सब पूरे धोती बोती, ये सब पूरे के पूरे ना हैंडमेडेड चीज़ें हैं जो यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो दिख रहा होगा आप लोग को सारी चीज़ें ये। तो
तो भैया आप लोग देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें हाथ से बनाई गई हैं, फुल हैंडमेडेड चीज़ें हैं। भैया ने अलाउ किया है तब आके हम लोग लिए हैं यहाँ पर वीडियो। देख पा रहे होंगे ये इनकी शॉप है, केंद्रांचल के अंदर इनकी शॉप है। आप यहाँ पर आके कोई भी चीज़ कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। पहले ही निकल गया तो कहाँ गया। ये इनकी पूरी की पूरी चीज़ें हैं भाई, यहाँ पर सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई हैं, कोई भी चीज़ें ऐसे रेडीमेडेड और वो सब सारी चीज़ें नहीं है, पूरी की पूरी चीज़ें हाथ से बनी हुई हैं। देखिए सारी चीज़ें, ये सब देखिए। देख रहे होंगे आप लोग ये कन्वेंशनल एरिया है, इसमें दिखाते आपको अंदर इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ये अंदर की चीज़ें, ये पूरा का पूरा मतलब बहुत बड़ा एक टाइप का फील्ड है यहाँ पर, मतलब ये पूरा लॉन टाइप का है एक। ये जो छोटे छोटे आप कंपार्टमेंट देख रहे हैं, ये सब सारे छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट यहाँ पर ना वो शॉप्स, छोटे 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 शॉप्स लगाए जाते हैं पूरे के पूरे, ताकि मतलब वो एक समय पर, अभी इस समय कोविड की वजह से यहाँ पर कुछ लगाया नहीं जा रहा है, बट यहाँ पर ना पुरानी पुरानी चीज़ों को ना नीलामी होता है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा जगह है और काफ़ी बहुत मस्त जगह है। आप देख रहे होंगे ऊपर सब सारी चीज़ें, ये कन्वेंशनल एरिया के अंदर आता है पूरा का पूरा। अभी हम आप लोग को ऊपर लेके चलेंगे, ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ें आप लोग को दिखाया जाएगा। इसमें हम आए हैं बहुत बार बट कभी वीडियो शूट करने का ऐसे समय नहीं आया कि वीडियो शूट करते हैं, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे छोटे 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 सारे कंपार्टमेंट पड़े हुए हैं यहाँ पर, सब सारी चीज़ें। बहुत मस्त जगह है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना तो एटलीस्ट कम से कम ना 4-5 घंटे का समय ले के आना, तब जाके आप ये पूरा का पूरा घूम पाओगे। ये आप लोग देख रहे होंगे पूरा का पूरा डिज़ाइन, वीविंग प्रोसेस कैसे वो धागों को वीव किया जाता था, वो पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, अन्यथा हम इसमें फ़ोटो डाल देंगे। ये पूरा का पूरा एक वीविंग प्रोसेस कैसे होता था, ये पूरा फुल वीविंग प्रोसेस दिखाया गया इसमें। बहुत मस्त तरीके से इसको कलाकारी देख लीजिए, इसमें आप कितना मस्त तरीके का कलाकारी किया गया है। रात में तो ये और मज़ा देता है, बिकॉज लाइट, जब लाइटिंग वाइटिंग अच्छे से होती है ना तो और मज़ा देता है ये। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, वो ये वाला जो है ना एरिया, ये पूरा का पूरा कन्वेंशनल एरिया। इसके बाद जो आता है वो फूड कोर्ट आता है। यहाँ पर हर टाइप के आपको खाना, फास्ट फूड, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगा। तो ये पूरा का पूरा फूड कॉर्नर आता है, ये रहा पूरा का पूरा फूड कोर्ट। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बट ये है कि कुछ ज़्यादा महंगा मिलेगा भाई। अब एरिया वैसा है तो एरिया के हिसाब से वो सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, उसमें भी लेके चलेंगे दिखाने के लिए। बट उसके पहले आप लोग, ये सब सारी चीज़ें, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, वहाँ से भी रास्ता है, बट शायद इस समय बंद है या खुला है ये हम नहीं बता सकते कन्फर्म, वो तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। इसके पहले आप ये देख लीजिए, ये पीछे से पार्किंग वाला सिस्टम है, पार्किंग लॉट है। इसके पहले हम आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, और वो चीज़ क्या है वो ये है। देखिए आप लोग, ये रहा, ये पूरा का पूरा जो ये है ना, ये चीज़ें सारे के सारे आप देख रहे हैं वाले, ये रस्सी बीनी जाती हैं यहाँ पर, मतलब साड़ी या फिर शॉल, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर बीने जाते थे, बट ख़राब पड़ा हुआ मशीन के वजह से, मतलब बहुत पहले का लग रहा है ये है, इसी के कारण इसको ऐसे कैसे छोड़ा गया है। देख रहे होंगे आप लोग पुरानी पुरानी चीज़ें, मतलब यहाँ पर आपको जितनी भी सारी चीज़ें मिलेंगी ना, वो पूरा का पूरा हैंडमेडेड चीज़ें मिलेंगी आपको, मान के चलिए पूरे के पूरे हैंडमेडेड चीज़ें हैं। तो भाई ये एक छोटा सा कंपाउंड है, छोटा सा एरिया है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर वो सारी चीज़ें। आपके एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छी डिज़ाइन इसमें दिखा रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा तरीके से इसको, बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया गया, वो देखना है क्या है। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है, इतनी मस्त, ये समझ, ये गंगा आरती का, वो आरती का जो पार्ट होता है ना, गंगा आरती पर जो आरती होता है दशाश्वमेध घाट का आरती, उसको पूरी तरीके से इस पर बनाया गया। देख रहे होंगे क्या मस्त तरीके का बनाया गया भाई। और देव दीपावली का है, देव दीपावली की झलक ये देख लीजिए। जिसको पढ़ना होगा पूरा, वो वीडियो को रोक के पढ़ सकता है, अन्यथा हम इसका फ़ोटो डाल देंगे। और ये देखिए एक चीज़,
मतलब बहुत सही तरीके का डिज़ाइन भाई बनाया गया, बड़ा मज़ा आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग जहाँ पर चीज़ें ले सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भाई कम से कम 5 घंटा 4 घंटे का समय देना पड़ेगा, तभी आप सारी चीज़ें को देख पाएंगे अच्छी तरीके से। समय देंगे तभी सब कुछ हो पाएगा, नहीं देंगे तो भाई उसकी बात ही अलग है। तो आप लोग देखिए, तो अब हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम में। अब फिलहाल में अब हम लोग म्यूज़ियम जा रहे हैं, म्यूज़ियम में देखते हैं क्या देखने के लिए मिलता है, कौन सी चीज़ें, पता नहीं म्यूज़ियम में शूट करने के लिए मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, बट म्यूज़ियम देखते हैं यहाँ का कैसा है, फिर उसके बाद आप लोग को बताते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे पिलर्स टाइप के दिए गए हैं 4, ये तीसरा और ये चौथा। तो अब ये देख लीजिए, सामने से काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया, मतलब समझ लीजिए बहुत पैसा खर्च किया गया भाई इसमें बनाने के लिए। ये संत कबीर दास जी का स्टैचू है, इनके बारे में हम आपको पढ़ाते हैं, जिसको भी पढ़ना हो वो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकता है, अन्यथा हम इसका फ़ोटो डाल देंगे। संत कबीर दास जी के बारे में आप जितना जानना चाहते हैं, उतना तो जानकारी नहीं दिया हुआ है, बट कुछ ना तो कुछ दिया हुआ है। तो भैया जी, आखिरी मौका और इस जगह का आखिरी चीज़ें दिखाना चाहेंगे आपको, म्यूज़ियम। ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम एरिया है, यहाँ पर म्यूज़ियम पूरे के पूरे म्यूज़ियम से रिलेटेड सारी चीज़ें, ये पत्थर वत्थर आप देख रहे होंगे काफ़ी चीज़ें, यहाँ पर पानी वानी आती रहती है, बट फिलहाल में इस समय पानी बंद किया गया है। और ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम एरिया, म्यूज़ियम, भारत हट, फूड काउंटर, कन्वेंशनल एरिया और पार्किंग, 5 चीज़ें है यहाँ पर। अंदर फोटो अलाउड है अंकल? अंदर फोटो अलाउड है म्यूज़ियम में? मोबाइल से खींच सकते ना, कैमरा अलाउड नहीं है बस, नहीं तो हमारे पास कैमरा नहीं, खाली फ़ोन है, चलेगा ना? शुक्रिया अंकल जी। गांड फटे तो फटे, नबाबी ना घटे। तो भाई ये म्यूज़ियम का, इस पर जा सकते हैं? नहीं। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ये नहीं, ये म्यूज़ियम एरिया पूरा का पूरा आप देख सकते होंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया म्यूज़ियम एरिया को। वो नटराज जी का मूर्ति है वहाँ पर, सामने नटराज जी का मूर्ति है। म्यूज़ियम में जाने के लिए रास्ता यहाँ से है, देखते हैं। पूरे शायद इसमें मेरे हिसाब से शायद इसमें पूरे के पूरे हाथ से वो सब चीज़ें किए जाते हैं। इंडियन के लिए 20 रुपये जाने के लिए अंदर, और फॉरेनर के लिए 50 रुपये जाने के लिए अंदर। अंदर जाने का मतलब पैसा लगने वाला है। किसी बकचोदी के